शाहीन बाग का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे की वजह से आम आदमी पार्टी इस बार वोट पे नहीं जीत पाएगी। कमल का बटन ही दबाएं। मेरी भी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सबको बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। हम कट्टर हिंदूवादी। आपका नाम? मैं लता करोतिया। अच्छा, क्या मुद्दा है आज आप वोट डाल के आ गए? नहीं, मैं लोगों को घर घर से लेकर आ रही हूँ ताकि दिल्ली में अच्छा विकास हो सके, सबका साथ सबका विकास। इसके लिए मैं सबको घर से लेकर आ रही हूँ, बुजुर्गों को, महिलाओं को। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, मैं अपने वाल्मीकि समाज को सबको लेकर आई हूँ। सुबह से लगी हुई हूँ 6 बजे से। दिल्ली में क्या मुद्दा है जो केजरीवाल के पक्ष में है या विरोध में? दिल्ली में भाई साहब ये मुद्दा है कि केजरीवाल जो फ्री कर रहे हैं, फ्री 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 का जो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत है और हम लोग नहीं मानते इस चीज़ को। जो तुमने फ्री जो टिकट करी है वो तुम 5 साल से तुम्हारी सरकार है जब भी कर सकते थे। तुमने एकदम वोट जैसे आने वाले हैं तभी तुमने 1 महीने पहले करी है, तो वो तो ये सबको ही पता है कि वोट के लिए हो रहा है। किसी को फ्री कुछ नहीं चाहिए, साफ पानी चाहिए, बिजली चाहिए टाइम पर, बस ये सब चाहिए और ये केजरीवाल के बस का है नहीं, इसलिए वो लॉलीपॉप दे रहा है, झांसे में ले रहा है लेडीज़ों को, तो लेडीज़ें उसके झांसे में नहीं आने वाली। भाई साहब, क्या मुद्दा है दिल्ली में जो आज वोट डाल के आए? आज सबसे मेन बड़ा मुद्दा है, पहले तो केजरीवाल आम सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उसके काम की सराहना, लेकिन आज हम हिंदूवादी सब एक हैं, संगठन एक है और हम मिलके सब कमल के बटन दबाएंगे और बीजेपी को ही जिताएंगे। तो शाहीन बाग आपको मुद्दा लगा? सबसे बड़ा मुद्दा यही है, शाहीन बाग का जो मुद्दा है। ये लोगों ने बैठ के अगर किसी भी तरह से हम धरना प्रदर्शन करने का हमारा सबका अधिकार है, लेकिन वो एक शांतिप्रिय तरीके से होता है, लोगों की सहमति के साथ होता है, जिससे कि किसी और को प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन उसके अपोजिट सब कुछ अलग ही हो रहा है। शाहीन बाग का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे की वजह से आम आदमी पार्टी इस बार वोट पे नहीं जीत पाएगी। कमल का बटन ही दबाएं। मेरी भी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सबको बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। हम कट्टर हिंदूवादी। जय श्री राम। तो ये मुद्दा जो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम किया है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं शाहीन बाग, तो आप शाहीन बाग की वजह से अपना वोट बदल? हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। सरिता पांडे। क्या मुद्दा है दिल्ली चुनाव, क्या किसको देख के आप वोट? बीजेपी, मोदी को। शाहीन बाग का ही मुद्दा है? हिंदू बनाम मुस्लिम, शाहीन बाग तो इन लोगों ने हिंदू बनाम मुस्लिम कर दिया है और उसमें आम आदमी और कांग्रेस, ये दोनों जिम्मेदार है इसके। लड़ाई का मुद्दा यही तो है। शाहीन बाग नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि आज तक किसी शिक्षा में कोई उपलब्धि नहीं हुई, कह रहे मैंने ये बना दिया, वो बना दिया, क्या बना दिया ये तो बताएं। दूसरी बात, आज नौ युवक को जो है रोजगार चाहिए, रोजगार कहाँ गया 5 साल में? कह रहे मोदी जी को बता रहे, मोदी जी ने काम क्या नहीं किया ये बता दें, उन्होंने किया क्या ये हमें केवल बता दें। कह रहे मैंने फ्री कर दिया, कितने दिन फ्री किया, क्या फ्री किया? बिजली का बिल भरा जो हमारा पैसे के तो कर ही रहे, लेकिन मान्यवर ये बताएं हमें कि जो बिजली का बिल हमारा बढ़ा के दे रहे हैं, वो पानी का घटा दिया, पानी का खत्म कर दिया तो बिजली का उधर बढ़ा दिया, उसमें हमारा फर्क क्या हो गया? जो हमें देना है इधर काटा उधर दे दिया। किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार आ रही है। किसकी सरकार आ रही है? सरकार अभी 70-30 का रेशो रहेगा। किसकी सरकार आ रही है? मोदी जी की। जैसे चाइना में कोरोना वायरस फैल रहा है, इसी तरह यहाँ दिल्ली में केजरीवाल वायरस को बचाने के लिए हमें मोदी जी को लड़ना ही पड़ेगा। अच्छा। मोदी सरकार के लिए तो मोदी जी बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा। देश के लिए जो भी है सबसे बढ़िया, इनके जैसे कोई नहीं था। तो केजरीवाल गया दिल्ली से? केजरीवाल को तो हम लोग देखिए बस फ्री करके ये करके सब लोग हम लोग के काम खत्म कर दिए बिल्कुल। अच्छा, ऑटो वाले काम? ऑटो वाले काम हम लोग का बिल्कुल खत्म कर दिए। कौन आ रहा है दिल्ली में? मेरे ख्याल से तो क्या आम आदमी पार्टी आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा में काफ़ी अच्छा काम किया है, शिक्षा व्यवस्था से लेके आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूलिंग वगैरह पे जो कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही थी, उन सब चीज़ों पे ये गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। और बाद बाकी पार्टी तो वही कॉमनाइज ज़्यादा तो हो रहा है, अदरवाइज कोई शाहीन बाग पे केजरीवाल समर्थन कर है ही नहीं शाहीन बाग का। सबसे पहले हमारा जो बेसिक नेसेसिटी है वो क्या है? क्यों नहीं है? वो एजुकेशन है, हेल्थ है। पहली बात तो ये नेशनल लेवल पर इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा, शाहीन बाग का जबरदस्ती एक इशू है, सीए वो अलग प्रोटेस्ट है। अभी हमारे जो चुनाव हो रहे हैं वो लोकल विधानसभा बसों में आग लगाई जा रही थी और सिसोदिया कह रहे थे कि ये दिल्ली पुलिस आग लगा रही है। देखिए ये वो तो जांच का विषय है क्या नहीं है, मैं इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी जो चुनाव हो रहा है वो सिसोदिया का ओएसडी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुआ है, वो हुआ है, मैंने भी न्यूज़ दिया है, वो खुद उन्होंने ये भी कहा है, मैं उनसे जो पहले जाता, लेकिन अभी जो शिक्षा व्यवस्था है
वो सभी युवक के लिए बहुत ज़रूरत है। हेल्थ है, बेसिक चीज़ क्या है, हेल्थ, एजुकेशन है, वेलफेयर है, इन चीज़ों पे काम होना चाहिए। मोहल्ला क्लिक में सारे वैसे ही पड़े हुए हैं क्या कहें? नहीं देखो, सारा तो नहीं कह सकते हैं, कुछ में अच्छा भी है और कुछ में गरा भी है, तो वो आप लोगों का काम होता है उन चीज़ों को इनिशिएटिव ले जहाँ पे नहीं हुआ है। तो बात बाकी तो मेरे को कौन आ रहा है अब जी? कौन आ रहा है? बीजेपी आएगी यार। साइन बाग भी आ रहा है? साइन बाग से हमने लेना देना क्या यार, साइन बाग वाले अब कुछ भी बोलते रहेंगे तो उसके सरकार क्या करेगी? अब तुम अपनी मर्जी से बैठे रहोगे तो क्या करोगे उसको? जब समझ नहीं आता है तुम्हारे को तो क्या करेगा? मोतीलाल कौल, क्या मुद्दा है जो आज सुबह सुबह आप वोट देने की? भाई मतलब इस वक्त जिन परिस्थितियों में ये देश चल रहा है उन परिस्थितियों के आधार पर वोट कास्ट किया जाएगा। ये देखना है कि इस वक्त हमें ये जो केजरीवाल ने यहाँ पर जो पानी वानी का मुद्दा बनाया है ये तो एक टेम्प्रेरी है। जो विकास होना चाहिए दिल्ली का, वो दिल्ली का विकास हो नहीं रहा है। न इन्होंने स्कूल कॉलेज खोले, न इन्होंने स्कूल खोले, न इन्होंने कोई हॉस्पिटल खोला, कुछ नहीं। सिर्फ कुछ स्कूलों के अंदर जो हैं उसमें इन्होंने लीपापोती करी है, वो उसी में अपने आप को बहुत मतलब समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा विकास किया है। हॉस्पिटल के नाम पे कुछ नहीं है, और ये जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है उनमें ना डॉक्टर बैठते हैं ना दवाइयाँ मिलती हैं। और अगर हम कभी जाते भी हैं मोहल्ला क्लिनिक में, फट पर्ची लिख के देते हैं, जाओ जी लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल जाओ, फलानी जगह जाओ, जहाँ पर कि इतनी लंबी लाइनें लगती हैं। हम जैसे बुज़ुर्गों के लिए इतनी देर खड़ा होना, इतना सब कुछ करना हमारे बस की बात नहीं। जो मोदी जी ने यहाँ पर आयुष्मान योजना बनाई थी जिसमें 5 लाख रुपये तक का एक आदमी को, वृद्ध आदमी को, हम जैसे लोगों को इलाज मिलता है, वो उसने बिल्कुल यहाँ मना कर दिया है। और हम लोग जो भी हमारे पास कहीं से हमारे बच्चों की आमदनी है या जो भी कमाते हैं वो सब हमारी बीमारियों पे खर्च हो रहा है, तो इससे हम हैंड टू माउथ हो रखे हैं। तो ये इसलिए हम ये चाहते हैं कि देश मजबूत बने और देश के अंदर प्रगति हो, देश के अंदर विकास हो। उसके लिए हमें दिल्ली के अंदर परिवर्तन चाहिए, केजरीवाल को यहाँ से जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए। शाहीन बाग बहुत ख़तरनाक है, ये दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है दिल्ली के अंदर। जगह जगह जिस प्रकार से इन विरोधियों ने इस प्रकार अपने मोर्चे बंदी कर रखी है, ये हमें मुग़ल काल की याद दिलाता है। जैसे पहले हिंदुओं को उन्होंने ग़ुलाम बना करके यहाँ पर राज किया था, उसी प्रकार से उसकी चेतावनी है कुछ देश विरोधियों के द्वारा कि वो इसको फिर वो मुग़ल साम्राज्य में और इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तरफ चल रहे हैं, जो रोज़ हम मीडिया में और रोज़ अखबारों में और हर जगह हम देखते आ रहे हैं। ये इस देश के लिए बहुत ज़बरदस्त भयंकर खतरा मंडरा रहा है। इससे बचने के लिए हम सभी हिंदुओं को जागृत होना ज़रूरी है। आपने वोट डाला? मैंने डाल दिया। आपका नाम? नागेंद्र सिंह। क्या मुद्दा है आज वोट डालने जा रहे हैं? मुद्दा क्या, केजरीवाल जी सिर्फ फ्री में बांटे हैं, डेवलपमेंट क्या किए हैं? डेवलपमेंट के नाम पे जीरो। हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए। तो वो क्या किया, हमारे जो टैक्स पेयर हैं उन्हीं का पैसा सबको बांट रहे हैं कि वो तो डेवलपमेंट का लाएगा नहीं। डेवलपमेंट क्या होता है, रोड कर रहे हैं, मेडिकल और एजुकेशन बोल रहे हैं। एजुकेशन में चेंजेस कुछ नहीं हुआ, एजुकेशन में सिर्फ उनका बिल्डिंग चेंज हुआ है, बिल्डिंग में लीपापोती हो गया, बस उसी को वो डेवलपमेंट बोल रहे हैं। शाहीन बाग का ही मुद्दा है? शाहीन बाग है मुद्दा है, क्योंकि देखा जाए सीए कोई देशद्रोही या किसी को बाहर नागरिक को निकालने का नहीं है। यह है कि हम जो बाहर से जो आए हुए हैं उनको नागरिकता देने के लिए, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम इंडियन को बाहर भेजा जाएगा, उसमें कोई नहीं, ये तो फालतू का है। तो मुद्दा है ही है। झाड़ू ने फ्री कर दिया सबको? फ्री वाली बात नहीं, हमारा है बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए काम अच्छा करता है, उसके लिए करना पड़ेगा ना। बस साइन बाग का ही मुद्दा है? नहीं, कोई साइन बाग। साइन बाग के पीछे कौन है, आप क्या लगता है? इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप विकास का काम क्या केजरीवाल ने पिछले लंदन बन गई क्या? लंदन नहीं बनी, लंदन वाली बात नहीं है ना, बच्चों के लिए स्कूलों के लिए काम बढ़िया किया है। सबसे बढ़िया काम स्कूलों का अच्छा लगा, इसलिए स्कूलों के लिए कर रहे हैं हम। दिल्ली लंदन बन गई है? नहीं बननी, लंदन बन ही नहीं सकते, किसी की बस की नहीं लंदन बना दे। केजरीवाल तो कह रहे थे लंदन बना दे, देखा जाएगा या बनाया गया उस टाइम देखेंगे, उस टाइम की देखा जाएगी। केजरीवाल का OSD भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुआ, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अच्छा काम कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है? नहीं, काम तो सभी सरकार करती है, कौन नहीं करती है। काम तो उसका कह रहा था ना कि कुछ करके दिखाया, कुछ कोई करके कुछ दिखाता नहीं है। उप मुख्यमंत्री का OSD गिरफ्तार हो रहा भ्रष्टाचार के मामले में, क्या कहेंगे? केजरीवाल की पार्टी कहां तक सही है? केजरीवाल की सरकार हमें सही लगी है। कैसे सही लगी?
हर काम में बढ़िया लग रहा है, पानी बिजली मुफ्त सब कुछ मुफ्त कर रखा है। और क्या चीज़ फ्री फ्री कहाँ से दे रहे हैं केजरीवाल? अपने घर से दे रहे हैं? कोई देता है अपने घर से? हम दे देंगे अपने घर से, कोई दे पाता है अपने घर से? कोई फ्री कैसे दे रहे हैं? फ्री सेवा कर रखी है तो फ्री सेवा ही है सबकी। नोट छापने की मशीन लगी हुई है? लग रही होगी तो क्या पता, हमने थोड़ी देख रखा है। अच्छा, तो आप फ्री कैसे? फ्री की सेवा चल रही है तो इसलिए फ्री बता रहे हैं। या बिजली का बिल नहीं आ रहा, पानी का बिल नहीं आ रहा, तो हमें तो फायदा ही है। आप जॉब करेंगे, कोई आपको तनख्वाह ना दे तो आप? जॉब नहीं, अपना अपना काम है हमारा। फ्री चाहिए आपको? फ्री चाहिए? फ्री नहीं चाहिए, फ्री सेवा मिल रही है तो कौन नहीं लेगा? हर एक कोई फायदा उठाता है, फ्री का कौन नहीं उठाता? किसको फायदा हो रहा? सबको फायदा, पब्लिक को फायदा ही है। वो तो जनता के पैसे है ना? वो तो है जनता का, और किसके? अपने घर कैसे हो गया? फ्री कैसे नहीं हुआ बताओ? आपको लग रहा 5 साल बाद सबको फ्री हो जाएगा क्या दिल्ली में? कुछ नहीं होता फ्री, होने वाला तो हमें मालूम है कि सब लागू हो जाना बाद में भी, लेकिन क्या करें? तो केजरीवाल बेवकूफ बना रहे हैं या सब कुछ फ्री है? सब कुछ फ्री हो जाएगा तो क्या कर लोगे फिर? इंसान को हाथ पैर नहीं चलाएगा साला, फ्री हो जाएगा तो कौन कुछ करेगा? अच्छा, कोई कर लेगा? या हमें घर बैठे रोटी मिलेगी तो हम क्यों जाएंगे बाहर कमाने के लिए?